गामा रेज के अंदर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियॉन्स ऑक्यूपाई सच क्वांटम स्टेट्स विच मिनिमाइज टोटल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बड़ी टेढ़ी सी लाइन लिखी, बस ये कहना चाहता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं और एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सब के सब लोअर एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करते हैं ताकि स्टेबल रहे, तो अपनी एनर्जी को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। अब वो कहता है कि हाउएवर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन तो आपने सुनी है, न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेशन भी होती है, न्यूक्लियॉन्स भी एक्साइट हो जाते हैं, तो उनके पास ऐसे एनर्जी लेवल होते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स जो भी एनर्जी लेवल पे है अगर उसको एक्साइट करवा दें तो वो थोड़ा सा हायर एनर्जी लेवल पे जा सकता है। अब इस केस में वो कह रहे हैं हायर एनर्जी लेवल पॉसिबल हैं एंड अप्रोप्रिएट एनर्जी को अगर सप्लाई करें न्यूक्लियस में भी एक्साइटेड टू हायर एनर्जी, तो न्यूक्लियस पूरे का पूरा हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। जो आम प्रोसेस नहीं है, मैं कोई बिजली की वोल्टेज लगा के न्यूक्लियस को एक्साइट नहीं करवा सकता भाई, तो मैं इलेक्ट्रॉन को तो एक्साइट करवा सकता हूँ। एक बल्ब के अंदर होता क्या है, आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नीचे गिरते हैं, लाइट आती है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना आसान नहीं है, और न्यूक्लियस के अंदर घुस के उसको एक्साइट कराना तो मतलब बहुत ही मुश्किल होता कहाँ है। तो इसके लिए वो कह रहा है द एनर्जी डिफरेंस इन अलाउड एनर्जी लेवल ऑफ अ न्यूक्लियस आर जनरली लार्ज। अलाउड एनर्जी समझते हो, ऐसा भी नहीं करना कि इतना एक्साइट करवा दिया न्यूक्लियस से बाहर ही निकल गए तो टूट ही गया यार। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स एक्साइट हों और इतने लेवल होते हैं उसके पास कि एक्साइट हो सकता है, लेकिन उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मेगा का मतलब 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इतने वोल्ट क्रिएट करके आप न्यूक्लियस को एक्साइट नहीं करवा सकते, तो एक्सटर्नल एनर्जी से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो एक्साइट करवा सकते हो, न्यूक्लियॉन्स को एक्साइट नहीं करवा सकते नॉर्मल तरीके से। लेकिन वो कहता है कि लेकिन जब ऑटोमेटिक रेडियो एक्टिविटी चलती है जिसमें अल्फा बीटा डिके चलता है और बड़ा न्यूक्लियस छोटे में कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे नया नया न्यूक्लियस बनता है वो बाय डिफॉल्ट नया नया न्यूक्लियस क्या होता है ऑटोमेटिकली हायर एनर्जी स्टेट में पैदा होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता, थोड़ा सा उनकी स्टेट ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होती है हायर एनर्जी स्टेट में होती है। अब वो क्या करेंगे, वो लोअर में आने की कोशिश करेंगे, जैसे ही लोअर में आते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे, जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो फोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज करते हैं, ईएम रेडिएशन में फॉर्म में रिलीज करते हैं, उस ईएम रेडिएशन को गामा रेज बोलते हैं। तो जैसे ही एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे में टूटा, वो छोटे न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में, लोअर में लाने के लिए एनर्जी फेंकते हैं बाहर, तो गामा रेडिएशन को फेंकते हैं। तो कह रहे हैं कि इस केस में डॉटर न्यूक्लियस इज जनरली फॉर्म्ड ऑन वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, जब एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे में टूटेगा तो जनरली वो कह रहे हैं हायर एनर्जी स्टेट में बन ऑटोमेटिकली बन के आते हैं। तो सच न्यूक्लियॉन्स इन एन एक्साइटेड स्टेट इवेंचुअली कम्स टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या एमिट करते हैं अपने अंदर, ईएम रेडिएशन, उस ईएम रेडिएशन को क्या बोलते हैं गामा रेस। गामा रेस की वेवलेंथ क्या होती है एच सी बाई एनर्जी ई, तो ये गामा की रेडिएशन है। और दिस प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियस कमिंग डाउन टू लोअर एनर्जी स्टेट इज नोन एज गामा। ठीक है, ठीक। तो